हाय जेट अंकल। हेलो बेटे गोली। इधर आ। हाय जेट अंकल, क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गया? अरे उस दिन गोकुलधाम धूमधाम प्रोग्राम में मस्त उल्लू बनाया तूने मुझे, मेरे ही पेड़े कचौरी गाठिया खा के सारे सवाल बदल दिए। क्यों किया बेटा तूने ऐसा मेरे साथ, क्यों किया? क्योंकि जेठा अंकल, हम बच्चे देश का भविष्य है, और आप चाहते कि देश का भविष्य करप्ट हो जाए, चंद पेड़े कचोरी गाठिया के लालच में बिक जाए। जेठा अंकल, आपको तो हमें सही राह पर चलना सिखाना चाहिए, उल्टा आप ही हमें गलत राह पर चलने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। वेरी बैड, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे सॉरी सॉरी बेटा, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ कर दे बेटा, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। अरे क्या कर रहा है बेटा? जेठा अंकल, पीछे से मस्त खुशबू आ रही है, आपके हाथ में क्या था? कुछ नहीं। कुछ तो था। कुछ नहीं था बेटा। हाँ वो हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। जेठा अंकल, वो हाथ में क्या है? कुछ नहीं है बेटा। क्या जेठा अंकल, मैं छोटा था तभी भी ये ट्रिक समझ जाता था। गोली की आंखों से आप खाना छुपा सकते हो, पर गोली के नाक से नहीं। बताइए बताइए क्या है? अरे क्यों बुलाया मैंने गोली को? गया गया मेरा सुख तो गया। हाँ क्या खुशबू है इसकी जेठा अंकल, क्या है इसमें? नहीं नहीं रहने दो, आप मत बताओ मैं बताता हूँ। हाँ कोई सब्जी है, बंगाली सब्जी है, शुक्तो। वाह बेटा क्या नाक है तेरी है? चल हाँ ओके। जेठा अंकल अभी क्या छुपा रहे हो, अभी तो मुझे पता है उसमें शुक तो है। नहीं नहीं छुपा नहीं रहा हूँ, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे आपने बोला ना चल। अरे चल मतलब बाय, ऐसा बोला मैंने। ओ मुझे लगा चल मतलब चल मेरे साथ। नहीं नहीं, और वैसे भी जेठा अंकल मुझे टप्पू से एक बुक लेनी थी। हाँ लेकिन बेटा टप्पू तो घर पे नहीं है। हाँ पता है जेठा अंकल, अब भी फोन पे बात हुई, उसने बोला मेरे रूम में पड़ी है ले लेना। लाइए जेठा अंकल मुझे शुक तो दीजिए, आप दरवाजा खोलिए। इसको सुख तो पकड़ने दिया तो सुख तो का हिसाब चुक तो हो जाएगा। क्या सोच रहे हो जेठा अंकल? नहीं कुछ नहीं, ले ले तू दरवाजा खोल ले। नहीं नहीं जेठा अंकल, मुझे दरवाजा खोलने नहीं जमेगा, आप मुझे सुख तो दीजिए, आप दरवाजा खोलिए। अरे दरवाजा खोलने में क्या नहीं जमेगा, दरवाजा ही तो है, कभी दरवाजा खोला नहीं है क्या? नहीं खोला है, लेकिन अपने घर का, किसी और के घर का नहीं। गोली बेटा किसी और का घर लग रहा है तुझे ये? अरे ये भी तो तेरा ही घर है ना बेटा। ले 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 खोल खोल खोल। अरे वाह पद्मावती भोजना जैसे टिफिन में आया है। हाँ, आया आया। तो जेठा एक काम करते हैं, टिफिन आप खा लो, चुक तो मैं खा लेता हूँ। तू तो बुक लेने आया है ना बेटा? हाँ लेने तो मैं बुक ही आया था जेठा अंकल, लेकिन ये शुक्तों की जो सुगंध है ना वो मुझे रात को सोने नहीं देगी। तूने खाना नहीं खाया बेटा? खाया ना, लेकिन जेठा अंकल वो गाड़ी स्कूटर में कैसे रिजर्व पेट्रोल रहता है, वैसे ही सेम मेरे पेट के अंदर रिजर्व भूख रहती है। जब भी खाना खाने के बाद में कोई इंटरेस्टिंग खाने की चीज देखता हूँ ना तो रिजर्व भूख से खा लेता हूँ। बेटा ये जो शुक्तो है ना वो पपीता ने मेरे लिए बनाया है। अगर ठीक है ना जेठा अंकल, उसमें से थोड़ा आप भी ले लेना, मैं भी थोड़ा टिफिन से खा लूंगा। हाँ तो मैं फटाफट बुक लेके आता हूँ, फिर साथ में बैठ के खाना खाते ओके? अरे 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 अंकल आप खाना खाने बैठ गए, मैंने आपको कहा था ना कि हम साथ खाना खाने बैठेंगे। नहीं नहीं वो मैंने सोचा तू आए तब तक मैं इधर सब रेडी करके रखता हूँ। आजा सब रेडी, आजा आजा बैठ जा बैठ जा बैठ जा आजा। अंकल
अतिथि देवो भव, पहले मेहमान। हाँ, आ तू तो ले ले, पहले तू ले ले। हाँ बोला बोला पाटिल भाव। ओके 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 ओके, आजी आजी, ठीक है ठीक, ओके। ये सुक्तो तू पूरा खा गया बेटा। सुक्तो खत्म। सॉरी जेठा अंकल, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इतना टेस्टी था ना, मैं खाने में इतना खो गया कि पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी बबीता आंटी को बोल के आता हूँ कि आपने जो शुक्तो बनाया वो तो मैंने खा लिया, कल वो आपके लिए बना के देंगे। ओके? नहीं नहीं बेटा, रहने दे, वो मैं ही बात कर लूंगा उनसे। पक्का? हाँ हाँ बेटा हाँ। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, आपको भी शुक्तो खाना था ना। अब मैं खिचड़ी बराबर से नहीं खा पाऊंगा। लेकिन आपने तो कहा था गोली ये तो तेरा घर है, तो अपने घर में गिल्टी क्या फील करने का। आप लेंगे? थोड़ा तो लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया है। थोड़ा लीजिए, थोड़ा देता हूँ, थोड़ा। वाह जेठ अंकल, क्या मजा आया। नहीं तो चलो अब मैं निकलूं। बस जाना है बेटा। क्यों, स्वीट में भी कुछ है क्या? नहीं नहीं भाई। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे टप्पू, हाय गोली, हाय पापा, हाय दादाजी। हां टप्पू, मैंने ये बुक ले लिया। हां ओके। लिया खाना खा लिया? हां दादाजी, हम दोनों ने साथ में ही खाना खाया। अरे वाह। पापा आप और दादाजी दोनों आराम से बैठिए, मैं सब किचन में रख देता हूँ। थैंक यू बेटा। हाँ मैं भी तेरी मदद करता हूँ। हाँ हाँ। और कैसा रहा मौजी काका के पोते का जन्मदिन? अरे बहुत मजा आया, लेकिन मानना पड़ेगा इतना सा है, लेकिन क्या डांस किया है उसने, कलाकार है कलाकार। आजकल के सब बच्चे कलाकार ही पैदा हो रहे हैं बापूजी। टीवी पे देखो ना, सब प्रोग्राम आता है छोटे छोटे बच्चों का, कोई कितना बढ़िया गाता है, कोई एक्टिंग करता है। टप्पू मैं निकलता हूँ। बाय दादाजी, बाय टप्पू, बाय, गुड नाइट, बाय जेठा अंकल। थैंक यू सो मच खाने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू जेठा अंकल, थैंक यू। बाय बाय बाय, बाय जेठा अंकल। हाँ बेटा। अच्छा दादाजी मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज का असाइनमेंट कम्प्लीट करना है। बाय पापा, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। और जेठा तेरा आज का दिन कैसा रहा? ठीक। क्यों ठीक? आज कुछ ज्यादा बिक्रे नहीं हुई बापूजी। भाई धंधा है, धंधे में तो उतर चढ़ाव चलते रहता है। नहीं वो मैं समझता हूँ, लेकिन पिछला 10-12 दिन से ऐसा ही चल रहा है। अच्छा तो कुछ नया सोच। भी नया कोई धंधा? अरे भाई मैं नए धंधे की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी धंधे में कुछ नया सोच ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ नहीं वो इसीलिए मैंने नट्टू काका और बागा को बोला है, कुछ अच्छी नहीं कुछ स्कीम बीम सूझे तो बताना। हाँ ऐसा ही कुछ, और तू भी सोच। हाँ नहीं मेरा तो दिमाग उसी में अभी लगा हुआ है, आपको भी कुछ अच्छा सूझे तो बताना बापूजी। हाँ तू बस टेंशन मत ले, बस हमेशा हंसता रहे, ठीक है? जा जाकर शांति से सो जा। शुभ रात्रि। जी बापूजी शुभ रात्रि। हाँ बागा। हुँ? सो जा बेटा, नींद नहीं आ रही है नट्टू काका। क्या सोच रहा है? वही जो आप सोच रहे हैं। बागा आज हमें सेठ जी ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। हाँ नट्टू काका, और हमें वो चैलेंज एक्सेप्ट करना ही है, कुछ भी करके हमें दुकान का फायदा करवाना ही है नट्टू काका। राइट, सेठ जी को पता नहीं कि हम चाचा भतीजे ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। हाँ
दुकान का बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें मिलकर कोई एकदम टकाटक आइडिया सोचना पड़ेगा नट्टू काका। सोच का आइडिया सोच। मैं सोच ही रहा हूँ नट्टू काका, कब से सोच ही रहा हूँ। और हमें आइडिया देगा वो हमें आइडिया देगा नट्टू काका, जिसमें गूंगे को वाणी और प्यासे को पानी देने की ताकत है। प्यासे को पानी मिल गया, एकदम टकाटक आइडिया मिल गया। क्या ब्रिलियंट आइडिया बागा बॉय, ते तो रंग राख्यो। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। अब देखिए कल सुबह होते ही दुकान में धमाल शुरू। आदि देव नमस्तु भ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तु भ्यम प्रभाकर नमोस्तु ते। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। जेठा जी आई मच से आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, तो आपको पूजा करते हुए कितना अच्छा लगता होगा? बबीता जी बहुत बहुत अच्छा लगता है। रोज सुबह से सूर्य देवता को जल अर्पण करने से मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और क्या है ना, सुबह सुबह सूर्य देवता की पूजा करने से एक तो दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है, और दूसरा क्या है कि तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाता है। बिल्कुल वो तो है। आपकी रोज पूजा करने की आदत ना बहुत अच्छी है। आपको अच्छी लगती है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। एक मिनट। बबीता जी आपको पता है ये जो मेरी आदत है ना, ये मुझे बचपन से है। अच्छा बचपन से है? हाँ बचपन में बापूजी ने ये अच्छा संस्कार मुझ में डाल दिए थे। वो हमेशा कहते थे कि बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी नदी सागर ये सब सिर्फ और सिर्फ सूरत दादा की वजह से जिंदा है। अगर सूरत दादा है तो कुदरत है, और कुदरत है तो हम है। इसलिए हमेशा बेटा हमेशा सूरत दादा की पूजा करना। क्या बात है जीजा जी, आपके सारे विचार सुन के ना मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू। आई मस्ट से चाचा जी ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे एकदम। और आपको पता है ये जो अच्छे संस्कार का सिलसिला है ना बबीता जी, वो हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है। अच्छा मतलब मेरा दादाजी ने बापू जी में ये अच्छे संस्कार डाले, बापू जी ने मुझ में संस्कार डाले। जेठालाल तुमने क्यों ब्रेक मार दी? कहते जो अच्छे संस्कारों का सिलसिला चल रहा था तो तुमने टपू में अच्छे संस्कार क्यों नहीं डाले? तुमने क्यों ब्रेक मारी? अस कुछ भी बोल रहा है भिड़े। नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, अभी कल ही तुम्हारे टप्पू ने मेरी नकल उतारी, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, सब हंस रहे थे। हाँ तो सबको हंसा ही रहा था ना, मैं हंसाना तो अच्छी बात है नहीं बबीता जी। किसी का मजाक उड़ा के नहीं, हाँ आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ वो अय्यर वेट कर रहा होगा। ओके बाय सी यू। ओके ये देख तेरी वजह से बेचारे बबीता जी को जाना पड़ा। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, हम दोनों अच्छे भले शांति से अच्छे संस्कारों के बारे में बात कर रहे थे, तूने आके सब घोष पूर्ण कर दिया। क्या कर दिया? अरे बीच में डबका मुका। एक शिक्षकों के तुझे इतना भी पता नहीं है कि जब दो अच्छे भले लोग बात कर रहे हो तो बीच में डबका नहीं मुकते। जेठालाल एक शिक्षक को अच्छी तरह से पता होता है कि कहाँ डबका मुकना चाहिए और कहाँ डबका नहीं मुकना चाहिए। तुम जरा टप्पू को सिखाओ सलीका। अरे बचपन से टप्पू का नाम रटता आ रहा है, इतना नाम अगर तूने भगवान का लिया होता ना तो आज भगवान तेरे सामने प्रकट हो चुके होते। तो क्यों हमें से मेरे टप्पू के पीछे पड़ा रहता है भाई? अरे वो कारनामे ही ऐसे करता है। कारनामे? और नहीं तो क्या? देख भाई भिड़े बिना सोचे समझे इतने भारी शब्द का प्रयोग मत कर। बिना सोचे समझे नहीं जेठालाल, सोच समझ के बोल रहा हूँ। क्या क्या कारनामा? कारनामा क्या किया मेरे टप्पू ने? छोड़ो जेठालाल, बताने बैठूंगा ना तो रात हो जाएगी। बताना भाई बताना। क्या छोड़ो ना, जाने दो ना। बताना बताऊंगा, कभी बताऊंगा जब मिल बैठेंगे दो हसना यार। कुछ है तो बताए ना। पापा पापा।
हाँ कौन टप्पू? पापा आप कहाँ गए थे? मैं वो बालकनी में सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था ना, तो जल अर्पण करते करते भक्ति में इतना मग्न हो गया कि जल के साथ साथ लोटा भी अर्पण कर बैठा, तो लोटा नीचे गिर गया था, वो लेने गया था। तू बता तू क्यों मुझे बुला रहा था? हाँ देखिए ना पापा, ये अंगूठी मेरी उंगली में फंस गई, निकल ही नहीं रही। ये तो तेरे बचपन की अंगूठी है ना? हाँ। तो ये अभी तो ना क्यों पहनी? ओ पापा मुझे ड्रॉवर में से मिली तो मैंने सोचा पहन के ट्राई करता हूँ। मैंने पहन तो ली लेकिन अभी अंगूठी निकल ही नहीं रही। पापा प्लीज इसे निकालने में मेरी मदद कीजिए ना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तू भी ना टप्पू हमेशा ना करने वाले काम करता है, अभी तेरी वजह से लोग मुझे सुना के जाते हैं। उसके बारे में आपको किसने सुनाया? क्या सुनाया, नाम बताइए मुझे। अरे भीड़े अंकल अभी नीचे तेरी शिकायत कर रहे थे कि कल तो उसके कुछ नकल कर रहा था। नकल? हाँ नहीं मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि हमारी टपूसना एक में वो टपूसना है, उसमें उन्हें बुरा लग गया। तो वो एक में वो शब्द बोलते वक्त ना ऐसा किया था? नहीं मैंने सिर्फ एक में वो बोला था पापा। अब आप ही बताइए इसमें मैंने क्या उनकी नकल की? अरे इसमें क्या नकल, एक में वो शब्द तो कोई भी बोल सकता है, वो शब्द पे उसकी मालिकी थोड़ी है। हाँ वही तो। रुक मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। पापा 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 प्लीज अभी रहने दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, प्लीज ये अंगूठी निकालने में मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। तू भी ना टप्पू, मुझे भी दुकान जाने में लेट हो रहा है और अभी ठीक है ला। ओ, बहुत टाइट है ये। पापा पापा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ हाँ बेटा। पापा आराम से आराम से। दादाजी सॉरी। ये टप्पू बापू जी। क्या टप्पू बापू जी, टप्पू ने क्या तुझे धक्का मारा? नहीं नहीं टप्पू ने धक्का नहीं मारा बापू जी। तो वो उसकी उंगली में अंगूठी फंस गई है, वो मैं निकाल रहा था लेकिन वो क्या बहुत टाइट है अंगूठी, तो वो मैं ऐसे जोर से निकालने गया, इतने में उसका हाथ छटक गया और मैं आपसे टकरा गया। उंगली में अंगूठी फंस गई? हाँ देखो। हाँ दादाजी हम कब से कोशिश कर रहे लेकिन अंगूठी निकल ही नहीं रही। क्या कर रहा था तू बाबूचक? अरे ये अंगूठी ऐसे खींचने से थोड़ी निकलती है। तो कैसे निकलती है? रुक दिखाता ये। अरे वाह दादाजी हमने तो एकदम आराम से अंगूठी निकाल दी। थैंक यू बेटा। हमारे गुजराती में एक कहावत है, अमुक काम बढ़ती नहीं कड़ती करवा जोइए, समझा? हाँ समझ गया बापूजी। क्या समझा? यही कि कुछ काम बल से नहीं अकल से करने चाहिए, बराबर ना? हाँ टप्पू बेटा, अगर इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे ना तो भारी से भारी कठिनाई में से यूं बाहर निकल सकता है। मित्रों चंपक चाचा ने बिल्कुल ठीक कहा, हर बार काम बल से नहीं बल्कि कड़ से होता है। कड़ बुद्धि या दिमाग पर बात बिल्कुल ठीक है, जब ताकत हार मान जाए तो आपको बुद्धि का हाथ थाम लेना चाहिए। बुद्धि आपको निश्चित तौर पर मंजिल की ओर ले जाएगी और जेठालाल को इस वक्त मंजिल की तलाश है। मंजिल ऐसी मंजिल जहां गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस बढ़े और उसके लिए उन्हें राह चाहिए, और मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं नटू काका और बाघा। और जेठालाल ने उन्हीं को कहा है कि भाई कोई ऐसा मार्केटिंग आइडिया सोचें जिससे कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस और बढ़ जाए। क्या लगता है आपको, उन्होंने कोई आइडिया सोचा है? और अगर कोई आइडिया सोचा है तो क्या है वो आइडिया? वैसे राज की बात बताऊं मुझे वो आइडिया पता है। अरे भाई ऐसा आइडिया जिसे सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया और आप सुनेंगे तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। क्या है वो शानदार आइडिया भाई? ये पता चलेगा जब आप देखेंगे अगला एपिसोड, और यहाँ बहुत हंगामे होने वाले हैं ये निश्चित है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.